इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस. अब की बार हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं उनको प्लीज़ ज़रूर देख लें. उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली अपनी क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में लिख लेते हैं अपना, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है सॉल्यूशन, हल्का सा डिफरेंस है. तो देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 5/7 - 2/7. अब देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम है. इस क्वेश्चन में क्या स्टेप करना होता है, मेन डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लिख दिया. अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर की वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं, और बीच में माइनस साइन था तो माइनस साइन लिख दिया. तो अब सॉल्व कर लेंगे, 5 - 2/3/7. अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 5/6 - माइनस करना है 3/4. तो देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम कैसे करेंगे. इन दोनों में कुछ कॉमन है तो हम क्या करते थे, एलसीएम निकाल लेते थे. तो 6 और 4 का हम एलसीएम निकाल लेंगे. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 3 1s are 3. तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2s are 4, 4 3s are 12. तो एलसीएम आ गया हमारा 12. तो देखिए एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12. तो 12 आ गया. अब ऊपर की वैल्यू एज इट इज 5 एज इट इज. अब फिर से वही चीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए. तो हमें पता है 6 2s are 12 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया. -3 एज इट इज ये वाला. अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 4 3s are 12. तो यहाँ पे 3 आ गया. अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 5 2s are 10 / 3 3s are 9/12. अब देखिए ऊपर की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 10 में से 9 गया इज 1, 1/12 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, थर्ड पार्ट लिख लेते हैं. थर्ड पार्ट में कह रहा है 3 whole 1/5 में से माइनस करिए 7/10 को. कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है इस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में देखा है, इसको सॉल्व कर लेंगे. कैसे करते थे, 5 की मल्टीप्लाई 3 में और 1 ऐड हो जाएगा. तो 5 3s are 15 + 1 is 16/10 में सेम वैल्यू आती है जो यहाँ पर दी हुई है, -7/10. अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो कुछ कॉमन है, तो कॉमन जब होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 5 और 10 का. तो 2 से गया 5 as it is, 2 5s are 10. अब 5 1s are 5, तो एलसीएम कितना आ गया, 5 2s are 10. तो एलसीएम आ गया हमारा 10. तो हमने यहाँ लिख दिया एलसीएम है हमारा 10. अब 16 as it is, अब देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए, तो 5 2s are 10 होता है, तो 2 लिख दिया. 7 as it is, अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 ही आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 as it is. अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो देखिए 16 2s are 32 - 7 1s are 7/10. अब माइनस कर देंगे 32 में से 7 गया 25/10. अब देखिए ऊपर नीचे 25 और 10 सेम नंबर से कटता है, तो 5 5s are 25 and 5 2s are 10. तो ये आ गया 5/2. अब क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे. तो देखिए 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो हमें पता है 2 2s are 4 होता है, तो 1 रिमाइंडर बच गया. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन होल में आता है, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे, तो 2 whole 1/2 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. फोर्थ पार्ट में कह रहा है 7 में से माइनस करना है 4 whole 2/3.
3 को. तो कैसे करेंगे, देखिए 7 एज इट इज. अब मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू हम फ्रैक्शन में चेंज करते थे, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 3 4 जो 12 प्लस 2 इज 14 अपॉन 3. अब 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, राइट. अब देखिए 1 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जो 3, राइट. अब देखिए 7 एज इट इज, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ऐसे कर लीजिए, या अगर आप देखें 1 3 3 होता है तो यहाँ पे क्या आएगा 3. कैसे भी कर लीजिए 3 ही आना है, चाहे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भी 3 आएगा, और 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए तो 3 ही आएगा. इसी तरीके से 14 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3 होता है तो 1 लिख दिया. अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो देखिए 7 3 जा 21 और 14 1 जा 14 अपॉन 3. अब देखिए माइनस कर देंगे, 21 में से 14 गए 7 अपॉन 3. अब क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए. तो 3 से 7 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर आ गया. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 होल में क्वेश्चन होल में रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे, तो 2 होल 1 अपॉन 3 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. फिफ्थ पार्ट लिख लेते हैं. फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 3 होल 3 अपॉन 10 में से माइनस करना है 1 होल 7 अपॉन 15 को. अब मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते थे, फ्रैक्शन में चेंज करते थे, तो 10 की मल्टीप्लाई 3 से, 10 3 इज 30 प्लस 3 इज 33 अपॉन 10 माइनस. अब देखिए 15 वन इज 15 प्लस 7 इज 22 अपॉन 15. अब देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 10 और 15 का. तो कितना आ गया, 2 से गया, 2 5 जर 10 एंड 15 एज इट इज, 3 से जाएगा 5 एज इट इज, 3 5 जर 15 एंड 5 वन जा 5. तो एलसीएम कितना आ गया, 2 3 जर 6, 6 5 जर 30. तो एलसीएम आ गया हमारा 30. तो यहाँ पे 30 एलसीएम आ गया. अब देखिए 33 एज इट इज, और हमें पता है 10 3 जा 30 होता है तो 3 लिख दिया. इसी तरीके से 22 एज इट इज, यहाँ जो है 15 2 जा 30 होता है तो 2 लिख दिया. अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 33 3 जा 99 माइनस 22 2 जा 44 अपॉन 30. अब 99 में से 44 गैस 55 अपॉन 30. अब देखिए ये दोनों नंबर्स किसी एक नंबर से कट रहे हैं, तो 5 से कट रहे हैं, 5 6 जा 30 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. तो ये आ गया हमारा 11 अपॉन 6. अब क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो 11 को डिवाइड किया 6 से, तो 6 1 जा 6, तो कितना बच गया 5. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 होल 5 अपॉन 6 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. लास्ट पार्ट है हमारा 2 होल 5 अपॉन 9 माइनस 1 होल 7 अपॉन 15. इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो ये कितना आ गया, देखिए 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 19, 20 21 22 एंड 23. तो 23 अपॉन 9 माइनस 15 1 जा 15 प्लस 7 इज 22 अपॉन 15. अब देखिए 15 और 9 जो डिनोमिनेटर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो 9 और 15 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो 3 से गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज एंड 5 1 जा 5. तो एलसीएम कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, एलसीएम आ गया 45. तो हमने यहाँ एलसीएम में लिख दिया 45. अब देखिए 23 एज इट इज, और हमें पता है 9 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए, 9 5 जा 45
तो 5 आ गया माइनस 22 एज इट इज़, और हमें पता है 15 थ्रीज़ आ 45, तो अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 थ्रीज़ आ 15 कैरी 1, 5 टूज़ आ 10 एंड 11, माइनस 22 थ्रीज़ आ 66 अपॉन 45. अब 115 में से 66 माइनस करेंगे, 15 में से 6 गए 9 एंड 10 में से 6 गए 4 अपॉन 45. अब देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो 49 को डिवाइड किया 45 से, 45 वन जो 45, 4 बज गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 whole 4 upon 45 is the answer. Let's do next question now.